अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर फोर, हम यहाँ पर लेक्चर फोर में बात करने लगे हैं एक्सरसाइज नंबर 1.4 की। एक्सरसाइज 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें हमने मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन सीखनी है, और वो टेक्निक आज मैं आपको बताऊंगा कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। और यहां पर मैं एक्सरसाइज 1.4 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 5 एग्जांपल के तौर पे आपके सामने लिखा हुआ है, क्योंकि हमें यहां पर जरूरी है जो चीज सीखना कि हम अगर हमें कोई से भी दो मैट्रिसेस आ जाएं तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो बेटा सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपने दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो आपको पता हो कि आया हम इनको मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं या नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहता हूं कि यार ये एक छोटी सी खिड़की है, इसमें से हाथी गुजारो, तो क्या आप वो एलिफेंट इसमें से पास करना शुरू कर देंगे, गुजारना शुरू कर देंगे? नहीं, आप पहले देखेंगे कि आया ये एलिफेंट ये हाथी इस खिड़की में से गुजरेगा भी या नहीं। अगर गुजरेगा तो गुजारोगे, अगर नहीं गुजरेगा तो आप कह दोगे कि ये नहीं गुजर सकता। तो इसी तरह मैं आपसे कहता हूं कि ये दो मैट्रिसेस हैं, इनके दरमियान कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है इनको मल्टीप्लाई करना है, इसकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है, तो इनको मल्टीप्लाई करें। तो क्या मल्टीप्लाई करना शुरू कर दोगे? नहीं, पहले आप चेक करोगे कि आया इसकी मल्टीप्लीकेशन हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो हमें बेटा इन दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करने के लिए कहा गया फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम इनको ना जो है ना फौरन मल्टीप्लाई करना नहीं शुरू कर देंगे, अंधाधुंध इनको मल्टीप्लाई करना नहीं शुरू करेंगे, बल्कि पहले चेक करेंगे कि आया ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं। तो अगर दो मैट्रिसेस को आपने चेक करना है कि वो मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं, तो सबसे पहले आप उनके ऑर्डर फाइंड आउट करें। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर हम सीख चुके हैं, इसमें 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, जबकि दूसरे मैट्रिक्स में 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। तो जब भी आपने चेक करना हो कि दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, तो भाई सबसे पहले आपने क्या काम करना है, आपने उन दो मैट्रिसेस के ऑर्डर फाइंड आउट कर लेने। अब ये पहला मैट्रिक्स है, ये दूसरा मैट्रिक्स है, आपने चेक करना है कि पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज, पहले मैट्रिक्स के कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स की रोज इक्वल है, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज अगर इक्वल है तो हम कहेंगे ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। आपने सी आर जेहन में रखना है, सी आर वो आरसी बोतल होती थी ना, तो आपने उसी लिहाज से सी आर उसको उल्टा करना है, सी आर कॉलम्स रोज, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, अगर वो इक्वल नहीं है तो हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, और अगर वो इक्वल है तो फिर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। करना कैसे है वो बात की बात है, करना कैसे है वो बात की बात है। अभी हमने देखा है कि ये दोनों मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं या नहीं, तो मैंने देखा फर्स्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है और सेकंड मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज भी 2 है, तो दोनों आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब है ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने के बाद एंड पे मैं आपको एक मजे की बात भी बताऊंगा, ठीक होगी बात? तो वो मजे की बात अगर आपने समझनी है तो ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई करने लगा, आप सुने मल्टीप्लाई करना कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले मैट्रिक्स की रोज को, पहली चीज क्या समझनी है, पहले मैट्रिक्स की रोज को दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को पकड़ लेंगे, सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड से भी करेंगे, अगर थर्ड कॉलम है तो थर्ड से भी मल्टीप्लाई करेंगे, जितने कॉलम्स हैं उन सब से हमने इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो फर्स्ट रो क्या है, 1 2, यहां पे अगर आप फोकस करें और देखें तो यहां पे आपको फर्स्ट रो क्या नजर आएगी, 1 2, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है, इसको हमने सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है और सेकंड मैट्रिक्स के सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करना है। और जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना, जब हम फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो याद रखें पहला एलिमेंट पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा। इधर देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ और 2 मल्टीप्लाई होगा
जीरो के साथ और दरमियान में प्लस फॉर्मूले का आएगा। कैसे? इधर देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वन मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? फोर के साथ। टू को मल्टीप्लाई करना है जीरो के साथ और दरमियान में क्या आएगा बेटा? प्लस फॉर्मूले का। तो फर्स्ट रो को मैंने फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया है। अब किसकी बारी है? अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। स्पेस देनी है आपने बेटा, क्या देनी है? स्पेस देनी है। फर्स्ट रो को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? सेकंड कॉलम के साथ। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ और सेकंड एलिमेंट सेकंड के साथ। वन मल्टीप्लाई होगा किसके साथ बेटा? फाइव के साथ। प्लस आएगा फॉर्मूले का। टू मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? माइनस फोर के साथ। तो मैंने ये फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया ना, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो थर्ड कॉलम अब मेरे पास नहीं है। तो इसका मतलब है फर्स्ट रो की बारी खत्म। फर्स्ट रो को मेरे पास सेकंड मैट्रिक्स के जितने भी कॉलम्स थे मैंने सबके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरे पास और कोई कॉलम नहीं है तो फर्स्ट रो की बारी भी खत्म हो गई। अब किसकी बारी है? सेकंड रो की। माइनस थ्री कॉम और जीरो, माइनस थ्री और जीरो। तो सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड रो को थर्ड कॉलम से भी मल्टीप्लाई करूंगा। और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ मल्टीप्लाई होगा, दरमियान में प्लस आएगा फॉर्मूले का। तो फर्स्ट रो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? फोर के साथ। माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? फोर के साथ। प्लस जीरो मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? जीरो के साथ। उसके बाद माइनस थ्री मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? फाइव के साथ। और प्लस फॉर्मूले का आएगा, जीरो मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर के साथ। कॉलम्स की तादाद खत्म, तो सेकंड रो की बारी भी खत्म। अब हम किसकी बात करेंगे? थर्ड रो की, सिक्स और माइनस वन। ये थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी और थर्ड रो सेकंड कॉलम के साथ भी मल्टीप्लाई होगी। सिक्स मल्टीप्लाई होगा किसके साथ? फोर के साथ। प्लस आएगा फॉर्मूले का। माइनस वन मल्टीप्लाई होगा जीरो के साथ। इसी तरह सिक्स मल्टीप्लाई होगा फाइव के साथ। प्लस आएगा फॉर्मूले का। और माइनस वन मल्टीप्लाई होगा माइनस फोर के साथ। तो बेटा ये थर्ड रो को भी हमने दोनों कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब सिंपल एडिशन और मल्टीप्लीकेशन है, वो हम परफॉर्म करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। तो इधर देखिए, फोर वन फोर, प्लस टू को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो। वन फाइव फाइव, ये माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस। टू फोर जा एट, टू फोर जा एट। माइनस थ्री फोर से मल्टीप्लाई होगा माइनस ट्वेल्व। प्लस जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होगा जीरो। माइनस थ्री फाइव से मल्टीप्लाई होगा माइनस फिफ्टीन। माइनस इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस। जीरो फोर से मल्टीप्लाई होगा जीरो। सिक्स फोर से मल्टीप्लाई होगा ट्वेंटी फोर। माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस। वन जीरो से मल्टीप्लाई होगा तो जीरो। सिक्स फाइव जा थर्टी। माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा प्लस। प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा प्लस। और फोर वन जा फोर, फोर वन जा क्या आ जाएगा बेटा? फोर आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्या आ जाएगा? फोर फाइव माइनस एट माइनस थ्री। माइनस ट्वेल्व प्लस जीरो माइनस ट्वेल्व। माइनस फिफ्टीन माइनस जीरो माइनस फिफ्टीन। ट्वेंटी फोर माइनस जीरो ट्वेंटी फोर। थर्टी प्लस फोर थर्टी फोर। तो ये हमारे पास इन दो मैट्रिसेस की क्या आ गई है? प्रोडक्ट आ गई। क्या करेंगे? सबसे पहले चेक करेंगे कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं हो सकते। अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, अगर मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं, और हमें कैसे पता चलेगा कि मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं? तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है। उसका तरीका क्या है कि फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। और मैंने कहा था कि सीआर का फॉर्मूला आप सिंपल सा याद रखें। अब मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म कैसे करनी है? पहले मैट्रिक्स की रोज को मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे मैट्रिक्स के सारे कॉलम्स के साथ। फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ, और फिर अगर थर्ड कॉलम है तो थर्ड के साथ भी। इसी तरह ये ऑनवर्ड काम चलेगा और ये मल्टीप्लीकेशन आपके सामने परफॉर्म हो जाएगी। अब मैंने इस क्वेश्चन के स्टार्ट में आपसे कहा था कि आपको एक मजे की बात बताऊंगा, और वो मजे की बात सुन लो। ये जरा क्वेश्चन फोकस कीजिएगा। अच्छा, ये तो कॉलम और सीआर के फॉर्मूले से ये तो इक्वल हो गए, बाकी क्या बचा है? ये मैं कर रहा हूं, पहले मैट्रिक्स की रोज बची हैं और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स बचे हैं। पहले मैट्रिक्स की रोज कितनी है? थ्री। दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स कितने हैं? टू। अच्छा, मुझे रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो आंसर में मैट्रिक्स आया है उसका ऑर्डर तो बताओ। इसका ऑर्डर क्या आ रहा है? थ्री बाय
टू, तो थ्री रोज है इसमें और कॉलम्स कितने हैं, टू, तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, थ्री बाय टू। और इधर से मैंने आपको क्या बताया है, फर्स्ट मैट्रिक्स की थ्री रोज और सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम्स टू, थ्री बाय टू। यानी कि अगर आपने अभी मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म नहीं की है, आंसर आने से पहले ही आप बता सकते हैं कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूं जी ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है थ्री बाय टू, एक मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है टू बाय फोर। तो बेटा मुझे, मैं आपसे सवाल ये करता हूं कि ए क्रॉस बी इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑर्डर क्या आएगा, तो आप ये जो कॉर्नर नंबर्स हैं टू बाय फोर, यानी कि रिजल्टेंट का ऑर्डर क्या होगा टू बाय फोर। यानी कि दो मैट्रिसेस जिन्होंने मल्टीप्लाई होना है और वो कंफर्मेबल है मल्टीप्लीकेशन के लिए, तो आप उनके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर भी बता सकते हैं। कैसे, पहले मैट्रिक्स की रोज और दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम्स, ये आपके रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। तो बेटा उम्मीद है कि आपको मल्टीप्लीकेशन अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। तो आपने क्वेश्चन नंबर थ्री के जो एक दो पार्ट है वो जरूर प्रैक्टिस करने हैं। प्रैक्टिस के लिए मैं क्वेश्चन नंबर फोर का एक और पार्ट आपके सामने करता हूं, तो ये उम्मीद है कि मजीद आपको क्लियर हो जाएगा। और अक्सर बच्चे मुझे ये कहा करते हैं कि ये क्वेश्चन नंबर फोर का डी पार्ट करवा दें, तो हालांकि इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फ्रैक्शन है जिसकी वजह से शायद वो देखकर डिफिकल्टी फील होती है कि जी ये क्वेश्चन शायद मुश्किल होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंतहा आसान क्वेश्चन है, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, और जैसे हमने यहां परफॉर्म की है वैसे ही इस क्वेश्चन में परफॉर्म करेंगे। तो